हेलो। हाँ बच्चों, आज अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ईयर में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। माइक्रो का मतलब क्या था? छोटी छोटी इकाइयाँ, जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अब इस साल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? आर्थिक विश्लेषण की वो शाखा जो अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन करती है। जैसे इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो बड़े बड़े समूह हैं, जैसे राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय बचत है, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर, ऐसी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम प्रोफेसर बोल्डिंग की डेफिनेशन देखेंगे। बोल्डिंग ने क्या कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योगों का अध्ययन करती है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमत के स्थान पर कीमत स्तर, व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? जिसमें हम अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े बड़े समूहों का अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें हम केवल ये नहीं देखते हैं कि हाथी का एक एक अंग क्या है, बल्कि हाथी की टोटल कुल आकार क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसका अध्ययन करते हैं। जैसे एक वन है, वन के अलग अलग पेड़ों का हम अध्ययन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। लेकिन जिन पेड़ों से ये वन बना है, जो जंगल बना है, उस वन की क्या प्रकृति है, उसका अध्ययन हम करें तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। तो मैक्रो में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित, जैसे मुद्रास्फीति है, बेरोजगारी है, आर्थिक विकास है, अर्थव्यवस्था की प्रगति है, उसके उतार चढ़ाव है, ऐसी चीज़ों का अध्ययन हम मैक्रो में करते हैं। अब हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र क्या है। तो इसको हम 8 भागों में देख के हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। आप देखिए कि एक ये पिक्चर मैंने बनाई है, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र का स्कोप 8 भागों में विभाजित करके बताया है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले कौन सा है? आय व रोजगार का सिद्धांत। तो जो आय और रोजगार का सिद्धांत है, इसमें हम आय और रोजगार के निर्धारण कैसे होता है, इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? उपभोग फलन देखते हैं, विनियोग फलन देखते हैं, गुणक और त्वरक, ऐसी चीज़ों का अध्ययन हम जिसमें करते हैं, जिससे कि आय और रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है। क्या क्या चीज़ें? उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक और त्वरक। सेकंड है, आप देखिए, सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। इसमें देखते हम अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अपस्फीति और मुद्रा संस्फीति, इन चीज़ों का अध्ययन हम सामान्य मूल्य स्तर में करते हैं। तीसरा है, आप देखिए, आर्थिक विकास का सिद्धांत, आर्थिक विकास और नियोजन का सिद्धांत। तो आजकल हम देखते हैं प्रत्येक देश क्या चाहता है? तेज़ी से विकास करना चाहता है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? नियोजन करना पड़ता है। तो किस तरह से हम आर्थिक विकास करें, कैसे हम नियोजन करें, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके सिद्धांत क्या है विकास के, इन चीज़ों का अध्ययन हम इसमें मैक्रो में करते हैं। चौथा, आप देखिए क्या लिखा है, व्यापार चक्रों के सिद्धांत। तो अपन देखते हैं अर्थव्यवस्था में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ये उतार चढ़ाव क्यों हो रहे हैं, उनका विश्लेषण करना, उसके दुष्प्रभाव क्या है उसको जानना और उन दुष्प्रभावों पर नियंत्रण करना, इनको रोकने के उपाय बताना, इसके लिए मौद्रिक और राजकोषीय दोनों प्रकार की नीतियाँ जो है वो आती है। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है? किसी भी देश का सेंट्रल बैंक बनाता है। और राजकोषीय नीति कौन बनाती? वहाँ की जो केंद्रीय सरकार होती है वो बनाती है। तो इस व्यापार चक्र के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में कुछ चेंजेज करने हो, समायोजन करना हो, इसका अध्ययन भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। फिर इसके बाद आता है, आप देखिए,
पांचवा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय का सिद्धांत। तो आजकल प्रत्येक अर्थव्यवस्था जो है दूसरे देशों के साथ व्यापार करती है, तो उस व्यापार की क्या शर्तें हैं, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे हो रहा है, उनमें उतार चढ़ाव किस तरह से हो रहे हैं, विदेशी विनिमय नियंत्रण है, इन सब से संबंधित जो समस्याएं हैं विदेशी व्यापार से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, उन सब चीज़ों का अध्ययन भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। फिर है सिक्स्थ, मुद्रा एवं बैंकिंग का सिद्धांत। तो समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा और बैंकिंग के सिद्धांत भी आते हैं। इसमें मौद्रिक व्यवस्था है, साख व्यवस्था है, बैंकिंग के सिद्धांत है, केंद्रीय बैंक के कार्य है, ये सब चीज़ें भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर है सेवेंथ, राजस्व के सिद्धांत। राजस्व के सिद्धांत जो है इसमें कि सरकार की आय और व्यय क्या है, सरकार के सार्वजनिक ऋण क्या है, तो सामाजिक कल्याण प्रत्येक सरकार क्या चाहती है, अधिकतम सामाजिक कल्याण चाहती है, तो इसके लिए हमको सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, इन सब से संबंधित सिद्धांतों को भी देखना पड़ता है। फिर है वितरण का समष्टि सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत हमने माइक्रो में भी पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे उत्पादन के साधनों को क्या क्या देना है उनकी दरें निर्धारित की जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में उन साधनों का हिस्सा निर्धारित करते हैं कि श्रम का हिस्सा कितना होगा, पूंजी का हिस्सा कितना होगा, तो उनके सापेक्षिक हिस्सों का निर्धारण जो है वो वितरण के समष्टि सिद्धांत में आता है। तो इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है उसको हम 8 भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला आय और रोजगार का सिद्धांत, दूसरा सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत, तीसरा आर्थिक विकास एवं नियोजन का सिद्धांत, चौथा व्यापार चक्र का सिद्धांत, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय का सिद्धांत, छठा मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत, और सातवां राजस्व के सिद्धांत, और लास्ट 8वां वितरण का समष्टि सिद्धांत। तो इन विभिन्न भागों में बांट के हम देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इसका क्षेत्र क्या है। अब हम देखेंगे समष्टि आर्थिक सिद्धांत जो है उसकी शाखाएं क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या है, शाखाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। समष्टि स्थिति की, समष्टि तुलनात्मक स्थिति की, और समष्टि प्रायोगिकी। कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले समष्टि स्थिति की, फिर दूसरा समष्टि तुलनात्मक स्थिति की, और तीसरा समष्टि प्रायोगिकी। तो आज हम कौन सा लेंगे? समष्टि स्थिति की। सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं? समष्टि स्थिति की। स्थिति की क्या है? समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखते हैं कि इस संतुलन पर हम कैसे पहुँचे, इसकी प्रक्रिया क्या है, इस चीज़ का अध्ययन हम नहीं करते, केवल इसमें हम अंतिम संतुलन का अध्ययन ही करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि Y इज इक्वल टू C प्लस I। Y क्या है? राष्ट्रीय आय है। C क्या है? उपभोग है। और I क्या है? विनियोग है। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हमने X एक्सिस पर राष्ट्रीय आय ली है और Y एक्सिस पर हमने कुल व्यय लिया है। कौन सा व्यय? उपभोग और विनियोग व्यय। इसमें आप देख रहे हैं कि एक रेखा 45 डिग्री रेखा बनी है जो कि कुल पूर्ति फलन है, Y इज इक्वल टू C प्लस I है। इसको आप देख रहे हैं कि उपभोग रेखा जो है वो काट रही है और उसके बाद एक उपभोग प्लस विनियोग वाली रेखा जो है वो E बिंदु पर काट रही है। तो जहाँ पर कुल पूर्ति फलन को कुल मांग फलन रेखा काट रही है उससे राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है, उससे संतुलन का
निर्धारण होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आय कितनी है, ओ वाई स्तर का निर्धारण हुआ है। कितना हुआ है राष्ट्रीय आय का, ओ वाई स्तर पर निर्धारण हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुल पूर्ति फलन को कुल मांग फलन जो है काट रहा है और ई बिंदु पर हमारी इस आय का निर्धारण हुआ है। तो अब हम इक्वेशन देखें इसकी, तो आप देखिए y इज इक्वल टू क्या है, ऐसे ऊपर मैंने y इज इक्वल टू सी प्लस आई लिखा है, लेकिन क्योंकि सरकार का भी जो है रोल होता है, सरकार की भी भूमिका होती है, तो इसलिए y इज इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, c प्लस आई प्लस जी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें c जो है वो c मैंने साइड में लिखा, आप देखिए क्या है, c किसके बराबर है, a प्लस बी वाई के बराबर है। इसमें a जो है a किसका किसके लिए उपयोग लिया है, a स्वायत्त उपभोग के लिए यूज़ किया है, और b जो है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का सूचक है। तो यहाँ पे c किसके बराबर लिया हमने, a प्लस बी वाई के बराबर लिया, a स्वायत्त उपभोग है और b उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है। अब I जो है वो स्वायत्त निवेश है और G जो है वो सरकारी स्वायत्त व्यय है। तो यहाँ पे हमने I को G को क्या रखा है, स्थिर रखा है, क्योंकि ये स्वायत्त है जो कि I से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब अपनी इक्वेशन क्या हो गई, जो आपकी क्या है, Y इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी है, तो अब उसमें C की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, A प्लस बी वाई। तो अब अपनी इक्वेशन क्या हो गई, Y इज इक्वल टू A प्लस बी वाई प्लस आई बार प्लस जी बार। I और G को हमने स्थिर रखा है, इसलिए इनके ऊपर अपन ने क्या लगाया है, बार लगाया है। तो अब आपकी जो इक्वेशन है, I का संतुलन है, Y इज इक्वल टू क्या है, A प्लस बी वाई प्लस आई बार प्लस जी बार। अब इसको हम और क्या कर सकते हैं, वाई वाई को एक साइड रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बार प्लस जी बार। या हम वाई को बाहर निकाला अगले स्टेप में, तो वाई बाहर निकला आपका ब्रैकेट से, तो वाई ब्रैकेट वन माइनस बी ब्रैकेट में लिखा आपने इज इक्वल टू ए प्लस आई बार प्लस जी बार। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू आप वन और वन माइनस बी को हम इधर नीचे ले गए दूसरी साइड में, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, y इज इक्वल टू ए प्लस आई बार प्लस जी बार डिवाइड बाई वन माइनस बी, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए इसको आप सोल्व करके देखिए कि अगर a आपको 50 करोड़ दिया है और निजी स्वायत्त निवेश आपका 100 करोड़ रुपए है और सरकारी व्यय 50 करोड़ रुपए है और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बी जो है वो 0.8 है, तो आय का निर्धारण कैसे होगा इसमें, आय का निर्धारण कैसे होगा, आपने लिखा a प्लस आई बार प्लस जी बार डिवाइड बाई वन माइनस बी, तो 50 प्लस 100 प्लस 50 200 डिवाइड बाई वन माइनस 0.8 मतलब 0.2, तो 200 डिवाइड बाई 0.2 का मतलब क्या हुआ, आपकी आय का निर्धारण क्या हुआ, 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए। तो आपका स्थित संतुलन आय जो है वो कितनी हुई, समष्टि स्थैतिक संतुलन आपका कितने पे हुआ, 1000 करोड़ रुपए पर हुआ। तो इस तरह से हम स्थैतिक संतुलन देखते हैं। स्थैतिक संतुलन क्या है, जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन की स्थिति को बताता है। तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति की और समष्टि आर्थिक प्रावीण्य की, इन चीज़ों को हम कल देखेंगे। तो आज अपन ने क्या क्या देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा देखी अपन ने, और समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र देखा, और समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं में अपन ने पहली शाखा देखी समष्टि स्थिति की, ठीक है। अब इसके बाद हम समष्टि तुलनात्मक स्थिति की, समष्टि प्रावेगिकी की और इसका महत्व, ये चीज़ें हम जो है
अब वो कल देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।